दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। इनबीसी न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज हम जानेंगे बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें, और इन्हीं बातों की चर्चा के लिए आज हमने खास तौर पर अपने स्टूडियो पे आमंत्रित किया है पीएस खोबरागड़े सर को, जो कि संस्थापक हैं अनाथ पिंड परिवार के। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, ये तो हम सभी जानते हैं कि संविधान निर्माता के तौर पर प्रसिद्ध बाबा साहेब के का दिन जो है वो 14 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। बाबा साहेब की जयंती को पूरे देश में लोग बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। उनका पूरा ही जीवन संघर्ष रहा है। उन्होंने भारत की आजादी के बाद देश के संविधान के निर्माण में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। बाबा साहेब ने कमजोर और पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिता दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर सामाजिक नवजागरण के अद्भुत और संतानमूलक समाज के निर्माण करता है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, आज हमारे छोटे छोटे बच्चे भी जानना चाहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के मूल्यों को आखिर हम वो कैसे आत्मसात करें। क्या लगता है कि क्या विशेष है जो आज जो हमारा समाज जो है वो नहीं जान पा रहा है? बहुत सारी जानकारी है जो अभी भी आज की वर्तमान युग की पीढ़ी को नहीं है। हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं जी। लेकिन वर्तमान में भी नए पीढ़ी के लोगों को अभी तक बाबा साहब के बारे में पूरी जानकारी नहीं है जी। बिल्कुल। इसका प्रमुखता से कारण ऐसा है कि भारत देश जो है अनेक जातियों में बिखरा हुआ है। 6000 से ज्यादा जातियां है, वर्ण व्यवस्था थी और यहाँ पे विषमता है। हर जाति जो है एक जाति दूसरे जाति को छोटी बताती है, एक जाति दूसरे जाति को नीची बताती है। तो ये छोटे नीचे का मसला इतना बड़ा है, और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जन्म जो है वो सबसे नीचे के जाति में हुआ जी। तो इसलिए उनका रिकग्निशन लाने के लिए जो यहाँ की व्यवस्था, जो लोग यहाँ पे लोगों को जानकारी देने वाले लोग जो है, जो यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस देश की शिक्षा संभालते हैं, जो इस देश की मीडिया संभालते हैं, ये लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को लोगों तक पहुंचाने का काम जो है वो कम किया। यही एक कारण है कि आज हमारी पीढ़ी जो है वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को उतना नहीं जान पाई जितना कि उन्होंने जानना जरूरी था। जी बिल्कुल। 14 अप्रैल ये दिन जो है ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे समाज के कमजोर मजदूर महिलाओं आदि की शिक्षा के जरिए जो है हमेशा उन्हें सशक्त बनाने की कोशिश की है, और यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को भारत में समानता दिवस और एक ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर, ये बताइए कि बाबा साहब की जयंती के मौके पर हम आज आपसे उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें जानना चाहेंगे। हाँ जी, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जीवन के बारे में यदि हम पढ़े तो उनकी जीवनी बहुत बड़ी है। इतना जो जिस एजुकेशन को करने को आम लड़के को 10 से 15 साल लगते हैं, वो उन्होंने सिर्फ 2 साल में पढ़ाई कर लिया। तो वो तो जिंदगी भर पढ़ते ही रहे, और शिक्षा के महत्व को उन्होंने खूब जाना, और समानता प्रस्थापित करने के लिए उन्होंने एक बात जो कही जी। वो बहुत महत्वपूर्ण है जी। हम जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत देश में संविधान जो मानते हैं, जिस संविधान के आधार पे ये देश चल रहा है, तो इस संविधान के वक्त बाबा साहब ने बोला था कि वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू। मतलब यहाँ पे जो हर कोई आदमी है, कोई किसी भी जाति का रहे, किसी भी वर्ग का रहे, चाहे अमीर है या गरीब है, किसी भी जाति का रहे, कुछ भी रहे, देहात वाला आदमी रहे, कमाई करने वाला रहे या न कमाई करने वाला रहे, सबको एक मत का अधिकार है। मतलब पहले के जमाने में जैसे हम आजादी के पहले यहाँ पे जो राजा बनता था वो रानी के पेट से जन्म लेता था, तो राजा का बेटा ही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब ने एक नया संविधान देकर हर आदमी को यहाँ का कारभार चलाने के लिए राजा बनाने के लिए का अधिकार दिया।
इतना ही नहीं तो बाबा साहब ने उसमें ऐसी प्रोविजन की है कि यहाँ का जो हर आदमी जिसको हजारों सालों से पीछे रखा गया है जाति के आधार पे, वर्ण व्यवस्था के आधार पे, जिसको कोई भी उत्पादन के साधन नहीं थे, ऐसे सारे समाज को वन मैन वन वैल्यू, अच्छा। मतलब हर आदमी की हर कीमत एक रहेगी। जी बिल्कुल। देखो हर आदमी को एक मत देने का अधिकार, ये तो ठीक है, लेकिन हर आदमी की कीमत एक रहेगी। ये कीमत एक रहेगी, ये भारत के इतिहास में या पूरे दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ, जो बाबा साहब ने यहाँ पे हमको दिया। लेकिन बाबा साहब ये बात बाबा साहब ने जरूर बोला था कि हम जो है अभी राजनीतिक दृष्टि से तो हम सब लोग बराबर है, समानता हर एक को, हर आदमी को एक एक वोट देने का अधिकार मिल गया है, तो हर कोई जो है यहाँ पे राजनीतिक आधार पे समान हो गया, लेकिन आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से गैर बराबरी है, बिल्कुल अभी भी पिछड़ा हुआ है। तो उन्होंने यहाँ के जो रूलर्स है, जो शासक वर्ग है, उनको ताकीद दी कि आने वाले 10 साल में यदि आपने ये सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को दूर नहीं किया तो भारत में अराजकता पैदा हो सकती है जी। और ये बहुत बड़ा नुकसान इस देश को हो सकता है। तो आज हम ऐसा देखेंगे कि अभी भी हम हमारे शासक वर्ग का ध्यान जो है सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी दूर करने के लिए, अभी भी हमारे शासक जो है वो नाकामयाब रहे हैं। इसलिए अभी भी एक आदमी का मूल्य एक नहीं है, तो बाबा साहब का जो समानता का सपना है वो अभी भी पूरा होना बाकी है। क्या बात है। और सही कहा जाए तो डॉक्टर बाबा साहब के अगर विचारों को लोग अपने जीवन में अपनाते हैं तो लोगों का जीवन बहुत बेहतर बन सकता है। सर ये बताइए कि पिछले 9 सालों से आप धम्म रैली का आयोजन कर रहे हैं, तो इसके पीछे का मकसद क्या है? हाँ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपने काफी एक बहुत अच्छी बात बोली कि विचारों को अपना कर। जी। तो विचार क्या है ये इस बात को हम समझे, विचार क्या है, बाबा साहब ने विचार क्या दिए? तो बाबा साहब ने असत्य नकारने की ताकत दी। जी बिल्कुल। जो झूठा है, जो गलत है, जो हमारे काम का नहीं है, जो समाज के काम का नहीं, जो देश के काम का नहीं, उसको छोड़ देना है। बिल्कुल। ये हमारे पिताजी ने बताया, ये हमारे परदादा ने बताया, ये हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है, या ये किसी साधु संत ने बोला, इसलिए हमको उसको चिपक के नहीं रहना है। हमको ज्ञान की नई नई ऊंचाइयां हासिल करने की है। तो ये जो भी झूठ है, जो भी झूठ है, जो काम का नहीं है, तो वो सारा नकारना है। वो नकारने की ताकत डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने हमको दी। ये ताकत का इस्तेमाल यदि हमारा ओबीसी समाज, बहुजन समाज और यहाँ का हर नागरिक यदि कर ले, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत अमेरिका के आगे भी जा सकता है। क्या बात है। क्योंकि हमारे लोग जो है, यहाँ का मूल निवासी, यहाँ का भारत का प्रत्येक नागरिक जो है, वो काफी दिनों से, काफी सालों से, हजारों सालों से उसका डीएनए जो है वो उनके अंदर जज्बा है, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, दूसरे के प्रति उनके मन में करुणा है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम ऐसे आ रहे हैं कि जो भी है, जो पुराना है, मराठी में एक स्टैंजा है थोड़ा सा कि जुनाट झाला इमला सारा, तोडुनी टाका देवुनी धक्का, आज इमारत जुनाट झाली, जीव अकारण मरतील खाली, जुनाट झाला इमला सारा, तोडुनी टाका देवनी धक्का। ये जितना जितना भी पुराना है, जो हमारे काम का नहीं, हमारे घर में हम जब सफाई करते हैं दिवाली के वक्त में, तो पुरानी जितनी भी चीजें हैं वो निकाल फेंकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे सभी के, अभी इसमें मेरे धर्म ने ऐसा बताया, मेरे साधु संत ने बताया, ये मेरे पिताजी ने बताया, मेरे दादाजी ने बताया, ठीक है, उनका हम सम्मान करेंगे, लेकिन जो हमारे काम का नहीं है वो सब कूड़ा कचरा इस जयंती के माध्यम से हम अपने घरों से, अपने मनों से फेंक देंगे। ये यदि हो गया तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनके विचारों का ये हो सकता है। और आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा कि पिछले बहुत सारे 9 सालों से मैं एक धम्म रैली निकाल रहा हूँ, तो धम्म रैली निकालने का मकसद ये कोई धार्मिक आयोजन नहीं था। मैं तकरीबन मेरे साथ में 200 लोग भिक्षु बनते थे, महिला भी रहती थी उसमें, और हम प्रचार और प्रसार करते थे। तो प्रचार और प्रसार सिर्फ 3 बातों का करते थे कि हमारा जो समाज है, जो दबा कुचला समाज है, ये 3 दृष्टि से समृद्ध बने। पहला मुद्दा था कि हम आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं अभी, तो हम आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बने। अभी नौकरियां घट रही है,
नौकरियां सबको मिल नहीं सकती, तो फिर हम सब लोग ने जितने जो भी संसाधन हमें मिलते हैं स्वयं रोजगार करने के लिए, जितने भी मौके मिलते हैं, हमने उसका लाभ उठाते हुए हमने आगे बढ़ना है, आर्थिक समृद्धि हमें करनी है, नंबर एक। नंबर दो ऐसा है कि शिक्षा के बारे में आज भी हम ऐसा देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए, बहुत पिछड़े। ये तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमारा देश जो है बहुत आगे बढ़ा, लेकिन मुझे पता है मेरा गाँव, मैं जिस शहर में रहता हूँ उसका मोहल्ला, वहां पे मेरे मोहल्ले में लड़के ऐसे हैं कि 90% लड़के जो है वो 10वीं 12वीं फेल इतना ही पढ़ पा रहे हैं, आगे नहीं पढ़ रहे। आप मेरे इस बात से सहमत है कि कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव की वजह से ही जो लोग हैं वो बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों को आत्मसात नहीं कर पा रहे। ये तो बराबर है, क्योंकि जो पढ़ेगा वो समझेगा, वही बढ़ेगा, जो पढ़ेगा ही नहीं तो वो क्या समझेगा, वो तो हमेशा दबे हुए है। जो किसी ने भी उसको कुछ भी भ्रमित, उसको तो कभी भी भ्रमित किया जा सकता है। तो जो सत्ताधारी लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो सत्ताधारी होते हैं, जिनको पद प्रतिष्ठा पैसा कमाना है, ये सारे लोग जो है ये गरीब लोगों को या कमजोर लोग जो अनपढ़ लोग हैं इनको भ्रम में डाल के अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं और राज कर लेते हैं। हमारी अभी रैली की बात चल रही थी, तो रैली में तीसरा मुद्दा है कि हम धार्मिक दृष्टि से समृद्ध हो। शायद आपने एक बात बोली थी कि सर्वधर्म धर्म समभाव के दृष्टि से कैसा रहेगा, लेकिन मैं जब धार्मिक बोलता हूँ, धार्मिक समृद्ध हम कैसे बने, तो धार्मिक समृद्ध यदि बनना है हमको, तो धार्मिक या बुद्ध ने, बाबा साहब ने बुद्ध का धम्म दिया, तो ये धम्म क्या है, ये संप्रदाय नहीं है, ये संप्रदाय नहीं है। और भगवान बुद्ध ने बोला है कि मैंने बोला, इसलिए इस चीज को मत मानना। यदि आपको लगे कि ये ठीक है, ठीक नहीं है, गलत है, ये कोई काम का नहीं है, ये गलत बताया गया आपने, यदि आप भी मेरा कोई बताया हुआ चीज नकारते हो तो कोई हरकत नहीं, आप उसको नकार दो, इसकी इजाजत भगवान बुद्ध ने दी है, क्योंकि उन्होंने धम्म दिया, धर्म नहीं दिया। इन दोनों में फर्क है, धर्म एक संप्रदाय होता है, संप्रदाय हाँ अलग अलग चीज़, एक जीने का तरीका, धम्म जो है वो जीने का तरीका है, इसमें हम समृद्ध बने। भाई भाई से लड़ रहा है, आज 11वीं 12वीं या 11 साल का लड़का जो है वो, उसको इतना गुस्सा आता है यदि उसकी माँ ने उसका मोबाइल छीन लिया, भाई बेटा पढ़ाई कर, तो उसका मोबाइल यदि छीन लिया तो वो अपनी माँ को मारने के लिए दौड़ता है। तो इतनी अशांति है भाई भाई में, मियाँ बीबी में, लड़के पिताजी में, और घर में, समाज में बहुत कलह है, बहुत ऐसे हम जो है देश में अनुभव रख रहे हैं, लेकिन घर घर में अनुभव है। और इस पुटक स्थिति में धम्म क्या सिखाता है हमें, मैं आपसे कैसे व्यवहार करूं, मैं आपसे व्यवहार कैसे कर रहा, बस यही धम्म सिखाता है कि मुझे आपको जो है, मैं जो भी आपको दे सकता हूँ वो दे दूं, जितना मुझसे बन सकता है मैं आपकी जितनी मदद कर सकता हूँ उतनी मैं करूँ, मैं करुणा के भाव से देखूँ। ये आप मेरे जाति के हो, धर्म के हो, क्या हो, रिलेटिव हो, क्या हो, ये कोई भी मान्यता वहां पे नहीं चलेगी। और ये वाकई में जरूरी है कि आज वर्तमान युग में जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के साथ ही साथ संस्कार होना बहुत जरूरी है, और ये संस्कार जो है वो मिलते हैं धर्म से। धर्म जो है वो हमें सिखाता है कि किस तरह का हमारा जो है वो आचरण होना चाहिए, और जब बच्चे का आचरण सही होगा तो उसके परिवार को, समाज को और हमारे देश को, तीनों को ही जो है वो यकीनन जो है वो बहुत ज्यादा मतलब मदद मिलेगी आगे बढ़ने के लिए हमारे देश में। सर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक ऐसे भारत की कल्पना की है जहाँ सभी नागरिकों को कानून के तहत समान अधिकार दिया जाए, लेकिन क्या आपको लगता है कि सही में समान अधिकार जो है अभी जी नहीं, मैंने पहले बताया कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से यह बहुत गहरी खाई है। जी देखो, हम जो है, मैं एक एसी में रह के मैं बहुत अच्छी तरीके से अमीर रह के, और दूसरे लोगों को गरीब रख के मैं सुख से नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि वो जो गरीब लोग हैं, जो मेरे वजह से गरीब बने हैं, जिनके तरफ मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, उनमें से कोई तो भी लड़का हाथ में चाकू लेगा, कभी तुमको अड़ा देगा, भैया तूने बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए यार, थोड़े मेरे को भी दे दे, और यदि आपने नहीं माया दिए तो हो सकता है कि वो आपको चाकू भी घोप दे। तो ये उसकी गलती नहीं है, ये आपकी सोच की गलती है कि हमने ऐसी व्यवस्था तैयार की। कुछ तो लोग बहुत अमीर हो रहे, कुछ लोगों को तो बहुत ज्यादा यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन बहुत सारा समाज जो है वो पिछड़ा हुआ है,
उनके पास में आर्थिक संसाधन नहीं, नौकरियां नहीं, शिक्षा उनकी पूरी तरीके से नहीं हो रही, स्वास्थ्य के माध्यम से या रहने के लिए जो है, जो जिस प्रकार से सुविधा चाहिए। हम पूरे दुनिया का यदि हम निर्देशांक देखें कि लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, किस प्रकार आदमी अच्छे तरीके से जीवन जी सकता है, जीवन यापन कर सकता है, क्या उस दृष्टि से हम जी पा रहे हैं, तो हमें यह ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी डिस्पेरिटी है। कोई लोग तो बहुत ऐसे भी हैं जो एक दिन में 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए भी हम अपने खुद के रिलेटिव को बचाने के लिए खर्चा कर सकते हैं, और कुछ लोग जो ऐसे हैं कि जिनके पास में 5 रुपए भी नहीं रहते, और उनके लिए जो है स्वास्थ्य सुविधा जो है वो पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं है। तो ये डिस्पेरिटी है बहुत सारी। अभी सर आपने जैसे ये बात कही तो मुझे याद आ रही है कि अभी लास्ट ईयर जो कोरोना का जो भयंकर देश में महामारी का युग आया था, तो हमने बहुत सारी ऐसे जगह देखे हैं जहां पर ब्राह्मण समाज की तो मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनमें से बहुत से लोग हैं जो सामने आए और उन्होंने सर्वधर्म संभाव की जो ये एक हम बोलते हैं कि अभी तक से बोलते थे कि सर्वधर्म संभाव जो है वो होना चाहिए, लेकिन इसकी एक मिसाल पेश की है उन्होंने कोरोना काल में, खाने से लेकर तो दवाइयों के पैकेट्स से लेकर तो बहुत सारी चीजों में जो है आपके एक पर्टिकुलर समाज ने जो है वो हर धर्म के लिए कार्य किया। तो क्या आपके अनुभव में कोई ऐसा है? तथागत भगवान गौतम बुद्ध को महाकारुणिक बोलते हैं। महाकारुणिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि भवतु सब मंगलम, मतलब सबका मंगल हो। किसका मंगल हो? तो जो भी है, मैं, मेरा परिवार, मेरे पड़ोस के लोग, मेरे शहर के लोग, मेरे जिले के लोग, मेरे राज्य के लोग, मेरे देश के लोग, और पृथ्वी जाति पे जितने भी है, जितने भी मानव है, उन सबका मंगल हो। इतना ही नहीं, जो वनस्पति है, जो पशु पक्षी है, प्राणी है, उन सबका भी मंगल हो। इतना ही नहीं, तो जो मेरे तथाकथित दुश्मन है, जो मुझे दुश्मन समझते हैं या मैं उनको दुश्मन समझता हूं, उन सबका भी मंगल हो। जो प्राणी मुझे हिंसा पहुंचाते हैं, मुझे दुख पहुंचाते हैं, मेरी जान ले सकते हैं, उनका भी मंगल हो। इतनी करुणा भगवान बुद्ध के अंदर है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के जीवन में उनको बहुत यातना झेलनी पड़ी, बहुत बार अपमानित होना पड़ा, लेकिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखते वक्त या कभी भी या उनके भाषण में या कहीं पे भी किसी का जी बिल्कुल नहीं। वो भी बहुत कारुणिक थे, और तकरीबन भारत के जितने भी, ये संतों की भूमि है, ये महापुरुषों की भूमि है, भारत देश में जो है करुणा जो है ये हर धर्म का प्रमुख ये रहा है, वेपन रहा है, करुणा के आधार पे हर धर्म यहाँ पे है। तो ये हमारे बेस है, ये हमारी शिक्षा है बचपन से दी हुई। कोरोना काल का कोई ऐसा इंसिडेंट सर जो आपको याद आता है? मैं खुद कोरोना से प्रभावित था। मैं खुद बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति में था कि मेरे से कम जिनका ये था, जो वो मैं भिक्षु था तब, और दूसरे इसमें तो तकरीबन लोग मर रहे थे। मैं जहाँ पे एडमिट था, मेरे आजू बाजू के सब लोग मर रहे थे, और मैं बचा, तो ये एक बहुत बड़ा हादसा है। लेकिन उस वक्त काफी लोग जो समाज के अच्छे लोग हैं, सभी समाज के सभी लोग जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो इस भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो जिन लोगों ने काम किया, ऐसे भी लोगों की मृत्यु हुई। तो ये हादसा जो है ये बहुत बड़ा खौफनाक था, लेकिन खैर उससे भी हमने निजात पा ली है। और उससे एक चीज सीखने को मिली है कि सर कि जब हम एक अस्पताल बोलो या फिर कहीं क्वारंटाइन थे, तो वहाँ हर धर्म के जो लोग थे उन्होंने सभी को बहुत सपोर्ट किया। मतलब कोरोना जैसी महामारी में भी एकजुट रहकर लड़ने के लिए जो थे वो हर धर्म के लोग थे, वो तैयार दिखे थे। कोरोना ने हमें सिखाया कि आपका भगवान आपके कोई काम नहीं आएगा। सारे भगवानों के मंदिर बंद थे, कहीं पे पूजा नहीं कर सकते थे, कहीं जा नहीं सकते, तब भगवान आपके पास नहीं आए, डॉक्टर लोग आपके पास आए। और जो लोग, क्योंकि तब सारे धर्म फेल हुए और एक ही धर्म बचा, वो धर्म है मानवता। बिल्कुल, तो मानवता धर्म की कोरोना के काल में विजय हुई, और मानवता ने इस कोरोना से आगे बढ़ने के लिए एक सबक दी। मुझे ऐसा लगता है कि हमने भूलना नहीं चाहिए, ज्यादा दिन नहीं हुए तो हम ये हिंदू मुस्लिम बौद्ध ईसाई ये जो झगड़े में पूरे देश में अभी, और ये झगड़ता कौन है, ये झगड़ा लगाया जाता है।
ये अभी रामनवमी के वक्त में दंगे हुए, क्यों दंगे हुए? ये दंगे लोगों ने नहीं किए, ये दंगे करवाए जाते हैं जिनको सत्ता चाहिए, जिनको पैसा चाहिए, जिनको प्रतिष्ठा चाहिए, जिनको संपत्ति चाहिए, ऐसे सारे लोग जो है ये राक्षसों की गणना में आते हैं। ये मानवता से बहुत दूर है, ये कोई धर्म के लोग नहीं है, ये इनका धर्म सिर्फ एक ही है कि हमें किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से सिर्फ सत्ता चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें प्रतिष्ठा चाहिए, और इसके लिए तुम आपस में लड़ो, आपस में मरो, क्योंकि तुम मरोगे तो हमारा जो है पेट बहुत ज़्यादा भरेगा, हम अधिक बलवान होंगे, हम अधिक ताकतवर होंगे, हम और ज़्यादा दिनों तक सत्ता में रहेंगे। सर, 14 अप्रैल यानी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती का दिन, इस अवसर पर मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज दीजिए। साथियों, मैं आपके में से एक आदमी हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। मैंने ये अभी देखा है कि बाबा साहब को या कोई भी महापुरुष रहे, इनको सोचते वक्त यदि हम जाति के आधार पे यदि हम सोचते हैं तो फिर दिक्कतें आनी चालू हो जाती है। 21वीं सदी है साथियों, ये जाति हमारे देश को आगे नहीं लेके जाएगी, ये जाति हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे फैमिली को पीछे लाएंगी। जितने जल्दी हो सके हम ये जाति का आवरण छोड़ दें, बस यही मेरी आप सबसे गुजारिश है। धन्यवाद। जय भी दोस्तों, इन विषय की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में 14 अप्रैल यानी कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती विशेष को ध्यान में रखते हुए आज हमने अपने स्टूडियो में खास तौर पर आमंत्रित किया था अनाथ पिंड परिवार के संस्थापक पीएस खोबरागड़े सर को। सर, एक बार फिर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इन विषय की खास मुलाकात में फिलहाल के लिए कहीं, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इन विषय न्यूज। नमस्कार।